हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1-5 एंड बी पॉइंट है -4 और 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ए पॉइंट गिवन है लाइन का 1 और -5 और बी पॉइंट गिवन है -4 और 5। तो इस पॉइंट की हमने एक तो रेशियो फाइंड आउट करनी है और एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस का तो कोई पॉइंट होगा लेकिन वाई का पॉइंट क्या होगा, 0। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो। तो रेशियो हम क्या लेट कर लेते हैं, के रेशियो 1। जब भी रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो उसे हम क्या लेट कर लेंगे, के रेशियो 1। तो हम पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है, ये X1 है, Y1 है और ये X2 है और Y2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास X की वैल्यू क्या होगी, M1 X1 X2 और M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। इसी तरह Y की वैल्यू क्या होगी, M1 Y2 और M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो पहले हम X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं K रेशो 1 के साथ। तो X की वैल्यू क्या होगी, के इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय K+1। और वाई की वैल्यू क्या होगी, के इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइड बाय K+1। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4 के 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय K+1। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के 1 इंटू -5 -5 ओवर K+1। और हमें ये कोऑर्डिनेट किस पे दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पे। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे दिए होंगे तो उसका वाई पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास वाई पॉइंट क्या है, 5 के -5 ओवर K+1। तो हम कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स और 0, क्योंकि वाई पॉइंट 0 है। तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो वाई का पॉइंट है उसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो 5 के -5 ओवर K+1 इक्वल टू 0। तो K+1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 के -1 इक्वल टू 0। तो 5 के -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 डिवाइड बाय 5। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। तो हमारे पास अब रेशियो कितनी आ गई, k रेशियो 1 लेट किया था, तो रेशियो हमारे पास कितनी है, 1 रेशियो 1। ठीक है, अब हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -4 के +1 ओवर K+1। अब k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। तो -4 इंटू k, यानी k की वैल्यू 1 है, तो -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 -3/2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से आ गए, -3/2। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर कैंसिल हो रहा है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास रेशियो है 1 रेशियो 1 और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आया है, -3/2 और 0। ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, उसके पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट्स बी सी और डी। और ए के पॉइंट हमारे पास गिवन है 1 और 2, बी के पॉइंट गिवन है 4 और y,
और सी के पॉइंट गिवन है एक्स और सिक्स, और डी के पॉइंट कितने गिवन है थ्री और फाइव। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये ए सी डायगनल और ये बी डी डायगनल, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, ठीक है। दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे, वो क्या पॉइंट होगा, ओ। तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं। पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या निकलेंगे, वन प्लस एक्स डिवाइड बाय टू और टू प्लस सिक्स डिवाइड बाय टू, तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, सिक्स प्लस टू एट डिवाइड बाय टू, तो वन प्लस एक्स बाय टू एट डिवाइड बाय टू कितना आ गया हमारे पास फोर। ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। अब हम मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो ये आएगा हमारे पास फोर प्लस थ्री डिवाइड बाय टू, फाइव प्लस वाई डिवाइड बाय टू, तो फोर प्लस थ्री सेवन बाय टू, फाइव प्लस वाई डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब जो हमारे पास ए सी के मिड पॉइंट है वो भी हमारे पास पॉइंट ओ है, और जो बी डी के मिड पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है, पॉइंट ओ है, ठीक है। तो ये दोनों सेम मिड पॉइंट पे कैंसिल हो रहे हैं, ए डी का मिड पॉइंट सॉरी ए सी का मिड पॉइंट भी सेम है और बी डी का मिड पॉइंट भी सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो पहले हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट क्या है, वन प्लस एक्स डिवाइड बाय टू फोर, और बी डी का मिड पॉइंट क्या है, सेवन बाय टू फाइव प्लस वाई बाय टू, तो हम इसे कंपेयर करेंगे, वन प्लस एक्स डिवाइड बाय टू इक्वल टू सेवन बाय टू, टू के साथ टू कैंसल, वन प्लस एक्स इक्वल टू सेवन, तो एक्स की वैल्यू सेवन माइनस वन, तो एक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सिक्स। इसी तरह वाई को कंपेयर करेंगे, फोर फाइव प्लस वाई डिवाइड बाय टू, तो टू फोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव प्लस वाई, फोर इंटू टू एट, फाइव प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई एट माइनस फाइव वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 माइनस फाइव थ्री, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू है 3, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।